एक बार नारा लग रहा है 405 आजमगढ़ ही नहीं जो है, आजमगढ़ मऊ बलिया देवरिया बस्ती संत कबीर नगर सिद्धानगर गोरखपुर महाराजगंज लालगंज आपके मिर्जापुर सोनभद्र भदोही आपके अम्बेडकर नगर अयोध्या बाराबंकी लखनऊ सीतापुर हरदोई खीरी लखीमपुर एटा इटावा मैनपुरी उन्नाव कानपुर रामपुर बलरामपुर सुल्तानपुर आपके आगरा मेरठ मुरादाबाद गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर ये 75 जिले की 80 सीटें जीत करके हम भारतीय जनता पार्टी की झोली जमीन में डालेंगे और आपकी बार 400 पार के साथ केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। वापिस ये बताइए इस बार आजमगढ़ में कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी हाँ, अखिलेश यादव भी चर्चा चल रहा है आजमगढ़ से। मोदी जी ने किसका भी चर्चा चल रहा है? मोदी जी समाजवादी का गढ़ है आजमगढ़। अरे कोई नहीं है गढ़ है, मोदी जी का आजमगढ़ है। अकेले लड़े लेकिन गठबंधन में आने वाले नहीं आने वाले हैं ना? नहीं आ रहा भाई, आएंगे तो जीरो हो जाएंगे। जो ये बताइए अखिलेश यादव यहाँ से चर्चा चल रहा है तो इसमें क्या कहेंगे? आने दीजिए अखिलेश यादव, उनका स्वागत है लेकिन चुनाव हम जीतेंगे। जो भाई अब जिसको करना हो करेंगे, जो हमारा पेंशन बहाल करेगा। सरकार तो मोदी जी की है भाई, सरकार मोदी जी की है, तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो और मोदी सरकार हमार हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर, मैं हूँ सनी यादव, अभी मैं हूँ आजमगढ़। आज जैसा कि बता दूं, आज 10 मार्च पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे रैली होने वाला है और यहाँ पे आजमगढ़ हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। मेरे पीछे देखेंगे तमाम रैलियों में सम्मिलित होने के लिए लोग आ रहे हैं और पीछे बड़े बड़े जो आपको देख रहे हैं 3-4 पंडाल, ये वहाँ पे रैली संबोधित करेंगे मोदी जी। मेरा इस साइड दिखा दीजिएगा आप, इस साइड से लोग चल के आए हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग चल के आ रहे हैं और इस रैली का हिस्सा बनने के लिए, मोदी जी की आवाज़ सुनने के लिए। और आइए थोड़ा सा हम कुछ लोगों से बात करेंगे और हाँ बात करेंगे 2024 के मद्देनज़र लेते क्या मोदी जी के आने से आजमगढ़ में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पे अखिलेश यादव की चर्चाएं चल रही हैं जो आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए। आपको बता दूं बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पे नीरव जी को उम्मीदवार बनाया गया, हालाँकि अभी वो वर्तमान में सांसद हैं, उपचुनाव से जीते थे। आइए थोड़ा सा माहौल देखते हैं, उसके बाद कुछ लोगों से बात करते हैं। अकेले लड़े लेकिन गठबंधन में आने वाले? नहीं आने वाले हैं ना? नहीं आ रहा भाई, आएंगे तो जीरो हो जाएंगे। जो ये बताइए अखिलेश यादव यहाँ से चर्चा चल रहा है तो इसमें क्या कहेंगे? आने दीजिए अखिलेश यादव, उनका स्वागत है लेकिन चुनाव हम जीतेंगे। जो हाँ बताइए, जो मैं क्षेत्रीय शोध प्रमुख गोरखपुर क्षेत्र डॉक्टर जी एल राजभर। अच्छा जी जी बताइए, पूछिए। कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार नारा लग रहा है 405। आजमगढ़ ही नहीं जो है, आजमगढ़ मऊ बलिया देवरिया बस्ती संत कबीर नगर सिद्धानगर गोरखपुर महाराजगंज लालगंज आपके मिर्जापुर सोनभद्र भदोही आपके अम्बेडकर नगर अयोध्या बाराबंकी लखनऊ सीतापुर हरदोई खीरी लखीमपुर एटा इटावा मैनपुरी उन्नाव कानपुर रामपुर बलरामपुर सुल्तानपुर आपके आगरा मेरठ मुरादाबाद गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर ये 75 जिले की 80 सीटें जीत करके हम भारतीय जनता पार्टी की झोली जमीन में डालेंगे और आपकी बार 400 पार के साथ केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप ही सब सीटें जीत जाएंगे। ये बताइए इस बार आजमगढ़ में कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी हाँ, अखिलेश यादव भी चर्चा चल रहा है आजमगढ़ से। मोदी जी ने किसका भी चर्चा चल रहा है? मोदी जी समाजवादी का गढ़ है आजमगढ़। अरे कोई नहीं है गढ़ है, मोदी जी का आजमगढ़ है। विपक्ष कहाँ जाए? विपक्ष माने जीरो जीरो जीरो। अरे आज पे आजमगढ़ में 2022 में पूरी 2022 का ये समय नहीं है, ये 2024 का समय है। मैं पिछड़े समाज का होने के नाते मैं कहाँ कुहान लोहार बढ़ई मौर्या राजभर तेली गुप्ता बिंद मला सैनी माली बढ़ई शर्मा वर्मा विशर्मा के साथ साथ मैं राजभर समाज के भाइयों कहना चाहता हूँ कि वक्त कम है जितना दम है लगा दो यारो, वक्त कम है जितना दम है लगा दो यारो, आपके पूरे हिंदुस्तान में कमल खिला दो यारो, बदल कर रख देंगे मुकम्मल फिजा जमाने की। अरे हमें तो जीत है फिर से बीजेपी सरकार बनाने की, फिर से बीजेपी सरकार बनाने की। आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। विपक्ष वाले दावा कर रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में उनका एक भी खाता नहीं खुले रहा है, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो रहा है, खोलेगा भी नहीं खाता जो है, दुल्हा का पता नहीं है। आए लोग बर्तिया सजाए हैं, बर्तिया भी फूट रहे हैं जो है। अरे मायावती आने वाली इंडिया गठबंधन, मायावती आने वाली कहाँ आने वाली? मायावती आने वाली चर्चाएं चल रही है, झूठ बात है, मायावती तो अकेले चुनाव लड़ रही है। चुनाव अपने बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी जो है, ऐसी बात नहीं है जो है, चुनाव तो बड़े नेता है। आपकी सरकार में बहुत लोग युवा लोग नाराज हैं, बोलते हैं रोजगार नहीं, नाराज है कोई नाराज नहीं है, पेपर लीक हो जाता है। अरे पेपर लीक हो जाता फिर होगा 6 महीने बाद चुनाव बीत जाएगा तब? अरे भाई चुनाव बीतने से चुनाव का काम ही है जो है, अगर फिर से बोले चुनाव चुनाव बीता उसके बाद भूल गए तब जैसे तमाम लोग। हमारी सरकार केंद्र में रहेगी, हमारी सरकार प्रदेश में रहेंगे, हम कैसे भूलेंगे इसको जो है। आज जिन्होंने पेपर लीक किया उनके खिलाफ जो शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई कर बिल्कुल करेगा भी पेपर लीक हो गया। अरे भाई चलिए तो प्रशासन इतना ढीला है कि इंटर का ढीला नहीं है, कोई ढीला नहीं, प्रशासन जो प्रशासन ढीला है,
चलिए आपकी क्या राय है? टोपी बढ़िया है, बढ़िया रहा है भैया। कहाँ आए हैं? रैली में आए मोदी जी के। मोदी जी के? हाँ। कोई लिवा के आया अपने मन से? नहीं, अपने मन से आए हैं। हाँ, मोदी जी का? हाँ, मोदी चुनाव में जीते थे नीरव जी, एक साल लिए, फिर इस बार उम्मीदवार बनाया गया, अखिलेश यादव सामने आ रहे, तो मतलब हम मोदी को ही वोट देंगे। मोदी जी को? हाँ, मोदी जी को। अखिलेश यादव क्यों नाराज भैया? बहुत नाराज है भैया, गलती कर दी उसने। बहुत गलती है, यादव भी फर्स्ट के लोग बहुत गलती करते थे। अच्छा, यादव लोग? हाँ, बहुत गलती करते थे। हाँ, हाँ, बहुत करते थे भैया। मोदी सरकार? मोदी सरकार। अच्छा, का भैया आपके कुछ विचार? सबसे पहले हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने आजमगढ़ में स्वागत करते हैं, और सबकी गारंटी है, मोदी गारंटी, सबकी गारंटी, कर्मचारियों की भी एक गारंटी होनी चाहिए, पेंशन की गारंटी। हम उनके साथ हैं, हमारी पेंशन बहाल कर दें और हम उनके साथ हैं, सरकार बनाएंगे। 80 लोकसभा पे हम इनको चुनाव जिताएंगे, लेकिन पेंशन बहाल करें, हम उनका आजमगढ़ में स्वागत करते हैं। अभी तो आ रहे, आए हैं स्वागत करने के लिए। हाँ, स्वागत करने के लिए आए। ना बहाल करें तब क्या होगा, लगे हैं। मोदी गारंटी है तो हमारी इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। कुछ गारंटी दिए थे, कुछ हो नहीं। नहीं, इस बार गारंटी बता रहे हैं कि पहले बोले थे वह हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख दिया जाएगा, कुछ मिला? नहीं, नहीं, पेंशन देने का वादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि ये नहीं है। पेंशन गारंटी सब अब की गारंटी है, और अब इस बार पेंशन देने का वादा करेंगे। हमको लगता है, हम लोग इसीलिए आए हैं कि लगता है पेंशन की भी बात करेंगे। वहाँ तक हाँ, हमारे आप है तो पहुँच जाएगी, आप पहुँच जाएगी, तो पहुँचाएंगे, लेकिन आप इसलिए रैली में आए हैं, आपने बोला मोदी की गारंटी, क्या इस पे अमल करेंगे? 2024 को लेकर बताया गया? नहीं, करेंगे, करेंगे, हम भी जनता हैं, हम भी उनके समर्थक हैं, हम जीवन के बारे में करेंगे। नो कमेंट, नो कमेंट। हम लोग एक ही मांग है कि हम लोगों की पेंशन बहाल हो जाए, पुरानी पेंशन, बस, और कुछ नहीं हम लोग मांग। अगर ना हो तब? अरे ऐसे, अरे भाई, हम प्रयास करेंगे, हमारी मांग जारी रहेगी, हमारा प्रयास है, जब तक पुरानी पेंशन न बहाल हो जाए तब तक हमारी मांग जारी रहेगी, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी आते आएंगे तब तक स्वागत करते रहेंगे हम। एक साल में नीरव जी का कैसा कार्यकाल रहा? अच्छा कार्यकाल रहा है, अच्छा कार्यकाल रहा है उनका, आ जाएंगे काफी तमाम कार्यकाल उनके कार्य सराहे गए हैं, फिर से आएंगे, जनता उनके पक्ष में आएंगे। आइए थोड़ा सा बात करते हैं महिलाओं से, इधर से आना, इधर आना, इधर इधर समझावत है का चाचा कुछ? हाँ, बतावत है ना, कैसे कैसे बोले को चाची, कहाँ से आई है पहले बता दीजिए आप? मतौलीपुर से। कौन आ रहा कुछ पता है? मोदी जी। मोदी जी जी, कोई बुलाया है कि अपने मन से आइए बताइए? नहीं, सफाई कर्मियों को हम लोग का सेक्टर प्रभारी बुलाए हैं, 50। हाँ, आप किसी विभाग में काम करती हैं? जी, हम सफाई कर्मी हैं। मृतक को यहाँ पे क्या काम है? मृतक आश्रय में आए हैं, पेंशन बहाल करते हैं। जैसे पेंशन उनको हमको बुलाया गया है कि मैंने उनके सत्कार में आज हम लोग को ड्यूटी लगी। हाँ हाँ, स्वागत के लिए अभी। अच्छा, बाकी सब लोग भी पेंशन के लिए? सब लोग भी है साथ में। तो वहाँ रैली की हिस्सा बनेंगी आप? तो बंदा जी जी, तो वहाँ तो मोदी जी संबोधित करेंगे, तो वहाँ आपका आवाज पहुँच जाएगी वहाँ तक? अरे आप लोग हैं तो हम लोग हैं। हाँ, सब लोग। आपकी क्या बात? भाई मेरी एक ही बात है, पुरानी पेंशन बहाल हो, मोदी सरकार हमार हो, बस। पहले किसकी मोदी सरकार? अब किसी की भी रही हो, जो हमारे समय में है, बस उसकी बात हम कर रहे हैं। अगर बहाल, बहुत लोगों ने बोला बहाल, अगर ना किया तो? ना किया तो फिर वो लड़ाई जारी रहेगी, और क्या, फिर तब किसे सपोर्ट कर रहे हैं भाई? अब जिसको करना हो करेंगे, जो हमारा पेंशन बहाल करेगा। सरकार तो मोदी जी की है भाई, सरकार मोदी जी की है, तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो और मोदी सरकार हमार हो, बस। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना है भाई? देखिए, अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, हमको पुरानी पेंशन चाहिए, चाहिए, बस बस, आप सबकी यही मांग? बस यही मांग है हमारी। चलिए, बीजेपी वाले दावा, क्योंकि अभी तो हम, हमारी जो हमारी ताकत है बरकरार है, ड्यूटी कर रहे हैं, और जब रिटायर हो जाएंगे उस समय हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे क्या हमको खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। जैसे विधायकों को पेंशन दिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, तो जब वो विधायक होंगे तब उनका पेंशन बनता है, हर वक्त बनता है, तो हम लोग तो उनकी उनके कार पे चल रहे हैं, उनकी सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए जो है काम कर रहे हैं, गंदगी साफ करते हैं, प्रदूषण जो है भगाते हैं, साफ करते हैं,
तो हम लोगों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगी लड़ाई चलती रहेगी। मोदी जी कोई गारंटी वारंटी है इस पे? देखिए अब तो वो गारंटी चलते रहे, उनके मन की बात है। अगर वो हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास ताकत है हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जनता की, और जिस दिन ताकत हमारी खत्म हो जाएगी, हमको रिटायर कर दिया जाएगा, उस दिन हम क्या करेंगे भाई? भूखे मरेंगे? सहारा के लिए पेंशन चाहिए, सहारा के लिए हमको पेंशन चाहिए बस। आपकी भी? जी हम भी अध्यापक हैं। अच्छा, और हम लोग जी बिल्कुल, और हम लोग जी कंपोजिट लेवल, जिसमें प्राइमरी जूनियर दोनों आता है जी, और हम लोग पुरानी पेंशन की मांग के लिए बहुत ही कार्यरत रहते हैं हमेशा। इतनी बड़ी रैली में, इतने बड़े लोगों में, तो आवाज़ कैसी पहुंचेगी? जी आवाज़ बिल्कुल, हम लोगों का जनविश्वास और बहुत ही बड़ा है, और जो विजय कुमार बंधु जी का आवाज़ पहले ही दिल्ली तक पहुँच चुका है, दिल्ली क्या पूरे देश में उनका गूंज रहा है आवाज़। हाँ, और हम लोग जो है अपना, ये हमारा अधिकार है, ओपीएस हमारा अधिकार है, और हम इसे लेकर रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। इसके पहले कुछ चर्चाएं हुई थी इस पर? हाँ जी बिल्कुल, चर्चा हुई थी, हमेशा इसकी समीक्षा बैठक होती है, और जो है समय समय पे यहाँ पे जिला मुख्यालय पे, और हम लोग तमाम कार्यकर्ता और कार्यकारिणी यहाँ सब चर्चा करते रहते हैं। इस बार कौन आ रहा है आजमगढ़ में? अब सर ये सब चीज़ें हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये सब चीज़ें राजनीतिक पार्टियां करती हैं, ये सब हम लोग नहीं बोल सकते। बाकी हमारा मेन मुद्दा है ओपीएस और पुरानी पेंशन, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, एनपीएस हमें नहीं चाहिए, हम एनपीएस के विरुद्ध हैं। भैया ये लोग पुरानी पेंशन बहाल की लेके मांग यहाँ पे आए हैं मोदी जी की रैली में, आजमगढ़ यानी मंदूरी हवाई पट्टी या एयरपोर्ट कह सकते हैं, बोला जाता है। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो में कमेंट करना, और हाँ भैया अगर आजमगढ़ से हो तो बताना इस बार 24 में कौन आ रहा है, अखिलेश यादव या निरहू जी फिर से? हालांकि आपको बता दूं भाजपा के उम्मीदवार यहाँ पे दिनेश लाल यादव निरहू पुनः बनाए गए हैं, वर्तमान में सांसद है उपचुनाव जीतकर, और काफ़ी चर्चाएँ चल रही है अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, देखते कन्नौज से लड़ेंगे या आजमगढ़ से। फिलहाल फिर मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक लिया जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।